एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजरातियों का मनपसंद ऊंधियू, जिसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मिक्स कठोर, 50 ग्राम गवार, 50 ग्राम कॉलीफ्लावर, एक चॉप्ड गुआवा, एक बड़ा चॉप्ड पोटैटो, 4 से 5 मीडियम साइज़ के बैंगन, 2 से 3 टमाटर। फिर हमने एक कच्चा केला लिया है, जिसको हमने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया है। 50 ग्राम पापड़ी, जो ये रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमने यहाँ मुठिया बनाने के लिए एक जुड़ी मेथी को अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। आप चाहे तो इसमें अपनी मनपसंद सब्जी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में हमारी फाइनली चॉप्ड मेथी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ 2 कटोरी मेथी के सामने 2 कटोरी बेसन यूज़ किया है। अब हम इसमें मसाले कर लेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून गरम मसाला। सभी चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका डो प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए हमें 2 टेबलस्पून पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी। हमारा डो तैयार है। अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सा डो लेके उसको राउंड शेप दे देंगे। इस तरह हम डो से सारे मुठिये रेडी कर लेंगे। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल में फ्राई कर लेंगे। इसको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमने यहाँ इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। हमने यहाँ सब्जियों को फ्राई नहीं किया है, फिर भी यह रेसिपी बहुत ही इजीली और टेस्टी बनती है। अब हमारे सारे मुठिये फ्राई हो गए हैं, उसको हम निकाल के साइड में रख देंगे। अब हम कुकर में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऊंधियू मसाला या फिर गरम मसाला ऐड करेंगे। फिर हम इसमें मिक्स कठोर ऐड कर देंगे और उसको 5 मिनट तक फ्राई होने देंगे। हमने यहाँ ओवरनाइट सोक किए हुए कठोर यूज़ किए हैं। 5 मिनट बाद हम इसमें हमारी सारी चॉप्ड सब्जियाँ ऐड कर देंगे। सभी सब्जियाँ ऐड हो जाने के बाद हम उन सब्जियों को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सौते कर लेंगे। फिर हम उसमें हमारे मसाले ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, जिससे हमारा ऊंधियू का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम सबको मिक्स करके उसमें 3 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। फिर हम लीड लगाकर उसको 4 विसल आने तक पका लेंगे। अब हमारी सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो गई है। हम इसमें हमारे तैयार किए हुए मुठिये ऐड कर देंगे और 2 मुठिये को हम अपने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे, ताकि सब्ज़ी में उसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छे से बैठ जाए। अब हम लीड लगाकर उसको लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक होने देंगे। 5 मिनट बाद हम सब्ज़ी को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम सब्ज़ी में 2 चम्मच पाउडर्ड शुगर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम सब्ज़ी को सर्विंग बाउल में निकालकर धनिए से गार्निश कर लेंगे। तो बनके रेडी है हमारा ऊंधियू। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।